लक्ष्मण रेखा बुधवार को हमारी मशीन आ जाएगी। उस मशीन की वजह से थोड़ा हमें डिले हो गया था। बावल बाजार के अंदर दुकान के आगे हम लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, येलो पट्टी व्हाइट पट्टी हम बना रहे हैं, उसके दायरे में दुकानदार भाई रहेगा। फिर हमारी टीम को बार बार नहीं जाना पड़ेगा। जो भी उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेगा हमारा कर्मचारी अधिकारी जाएगा और उसको रेडी का चालान काटेगा, उसको जब्त करेगा। ये कार्रवाई जल्दी हम करने चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले 15 दिनों में पूरा बाजार पूरा शहर ये लगे लोगों को कि हाँ पूरा बाजार व्यवस्थित है, किसी आम राहगीर को किसी ग्राहक को किसी को परेशानी ना हो, हमारे बच्चों को बच्चियों को किसी अधिकारी को, कोई भी आम नागरिक अगर शहर में आता है तो उसको ये दिखे कि बावड़ शहर अपने आप में अलग ही है। चेयरमैन साहब, आज आपकी टीम फिर दलबल से मार्केट में गई थी, क्या था आज विशेष? देखो, हमने 17 दिन पहले मुनादी कराई थी। अभी जिस भी दुकानदार भाई ने कस्बा में जो भी अतिक्रमण सड़क पे किया होगा उसको हटा लेंगे। 5 दिन तक हमने पब्लिकेशन कराया, 15 दिन का हमने इनको समय दिया था। 2 दिन पहले हमने अभियान चलाया था रेलवे रोड पे छोटराम चौक पे, और जो सड़क के बीच में कोई रेहड़ी थी या तकत थे या जो भी अवैध सामान था हमने उसको उठाया था। हमने कल सभी जो दुकानदारों को, जो मिनी सब्जी मंडी है बावल की और बड़े भगतराम चौक है, रेलवे रोड है, सभी को जो हमारे कर्मचारी जाके दुकान पर प्रति दुकानदार को सूचना दी थी, अभी कल हम फिर अभियान चलाएंगे आप हटा लेंगे। लेकिन दुकानदारों ने हमारी इतला के बावजूद, बुनादी के बावजूद भी सड़क से अपना अतिक्रमण नहीं हटाया और आम जनता इससे परेशान है। हमारे पास बहुत लोगों की शिकायतें आ रही है, ऊपर से डीसी कार्यालय से भी शिकायतें आ रही है, अभी आप अतिक्रमण क्यों नहीं हटाते? जनता परेशान है, बावल चौरासी की जनता परेशान है, स्कूल के बच्चे बच्चियां परेशान है, सड़क यहां पहले ही चौड़ाई कम है। तो हमने आज 3 बजे फिर अपने जो भी हमारे सारे पार्षद साथी थे हमारे साथ बैठे हुए हैं और पूरी हमारी नगर पालिका की टीम, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, एमई साहब हैं, हमारे स्टाफ हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं और शहर के गणमान्य व्यक्ति भी हमारे साथ थे, हमने फिर ये सब अभियान चलाया मिनी सब्जी मंडी से भगतराम चौक से छोटराम चौक, रेलवे रोड, तहसील के सामने। तहसील एक बहुत कंजेस्टेड एरिया है, पूरी 100 गांव के व्यक्ति वहां आते हैं, वहां निकलने की जगह नहीं है, ना कोई आदमी जा सकता है ना व्हीकल जा सकते हैं, लोगों ने अवैध कब्जा करके दुकानदारी की हुई है। और बावल में जो एक मेन मुख्य समस्या है, किसी भाई ने भी दुकान किराए पे दे रखी, उसका अगर रेहड़ी लगवा ली, उस रेहड़ी वाले से वो दुकानदार भाई जो मालिक है दुकान का 5,000 से लेकर 15,000 रुपये तक महीने के वसूल करता है सड़क के नाम के। तो सारी अवैध कार्रवाई थी जो हमने आज बड़े प्यार से, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, हमने अतिक्रमण को हटाया और ये हमारा अभियान तो 5 साल तक जारी रहेगा। सर, मुनादी के बाद भी रेहड़ी वाले या दुकानदार जो भी लगवा रहे हैं बाहर, उनको कोई इस तरह का डर नहीं होता, क्या कारण है वो? उसका कारण मैं बताऊंगा कि पहले जो भी नगर पालिका का सदन रहा, चाहे मैं रहा हूं उसमें या कोई भी रहा है, उनके ऊपर प्रेशर था, सरकार का प्रेशर था, अभी रेहड़ी हटा दी। नगर पालिका के अधिकारियों ने रेहड़ी खूब हटवाई, एसडीएम साहब ने रेहड़ी हटवाई, बस स्टैंड में तब्दील कर दी थी, लेकिन उनको राजनीतिक कारणों से फिर वहां पर जाकर टेक दिया गया। तो वो जो पहले टीम थी वो प्रेशर में काम कर रही थी, अब जो हमारी नगर पालिका की टीम है जनता ने चुनके भेजी है, स्वतंत्र है। हमने सिर्फ डर है कानून का, डर कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे, कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, समाज का डर है हमें, केवल कानून और समाज का डर है। जो हमारे रेहड़ी वाले भाई हैं, हमने उनसे एप्लीकेशन इन्वाइट करी है, हमारे पास 165 एप्लीकेशन आई है, और जो रेहड़ी उनमें क्या है, एक व्यक्ति ने 10 रेहड़ी बिहार की लगवा रखी। अलीगढ़ के जो हमारे पास फोरम आए हैं, 15 अलीगढ़ के हैं रेहड़ी वाले, जिनका अलीगढ़ का एड्रेस उनके पास है, एमपी का है, राजस्थान का है, बिहार का है, बहुत बहुत दूर के लोग यहां रेहड़ी लगा रहे हैं, और वो रेहड़ी उनकी इंडिविजुअल नहीं है, वो मजदूर आदमी नहीं, जो उनकी मेहनत उनके जेब में जा रही है, वो रेहड़ी लगवा रहे हैं हमारे दुकानदार भाई, एक रेहड़ी वाले ने 10 रेहड़ी लगा रखी है। तो ये जो कार्रवाई है सारी बंद होगी, और रेहड़ी वालों को हम इसलिए नहीं छेड़ रहे, रेहड़ी वालों को अभी हम छटनी करके, जो हमारे बावल के भाई आसपास के भाई हैं जो यहां रोजगार प्राप्त करके रेहड़ी लगा रहे हैं कई सालों से, उनको रेहड़ी दी जाएगी, जगह दी जाएगी, लेकिन व्यवस्थित ढंग से, गैर कानूनी रूप से ना रेहड़ी बर्दाश्त की जाएगी ना किसी दुकानदार का सामान। अभी तक आपने रेहड़ियां बोर्ड होर्डिंग बोर्ड अवैध जो लग रहा था वो, लेकिन आज तो मोटरसाइकिल तक भी आपने उठा, मोटरसाइकिल का भी हमने जो हमारे जो मुरादी कराई थी, यहां क्या है अब कुछ लोग सर्विस करते हैं गुड़गांव दिल्ली, और वो यहां सुबह मेन सड़क के बीच में मोटरसाइकिल के लोग लगा के चले जाते हैं, और ये पता लगा कि जो दुकान के सामने वाला है वो 50 रुपये डेली का 20 रुपये डेली का उनसे रखवाले के नाम पर लेता है। तो
तो आज तो हमने सिर्फ उनका नंबर नोट करके थाने में हम वो नंबर भेजेंगे। हमने आज मोटरसाइकिल वगैरह उठाई नहीं, हमने अभियान कैंसिल कर दिया, केवल उनके नंबर नोट किए और पुलिस स्टेशन में भेजा जाएगा, उनका नॉन पार्किंग का चालान किया जाएगा और आगे फिर भी नहीं मानेंगे तो पुलिस को साथ लेकर उनका चालान काटेंगे, उनको जब्त करेंगे। बावल शहर के बाजार के बीच में कोई लक्ष्मण रेखा खींचने का एक प्रयास चल रहा है नगर पालिका की तरफ, क्या है थोड़ा उसके बारे में? लक्ष्मण रेखा बुधवार को हमारी मशीन आ जाएगी, उस मशीन की वजह से थोड़ा हमें डिले हो गया था। बावल बाजार के अंदर दुकान के आगे हम लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, येलो पट्टी व्हाइट पट्टी हम बना रहे हैं, उसके दायरे में दुकानदार भाई रहेंगे, फिर हमारी टीम को बार बार नहीं जाना पड़ेगा। जो भी उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेगा हमारा कर्मचारी अधिकारी जाएगा और उसको रेडी का चालान काटेगा, उसको जब्त करेगा। ये कार्रवाई जल्दी हम करने चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले 15 दिनों में पूरा बाजार, पूरा शहर ये लगे लोगों को कि हाँ पूरा बाजार व्यस्त है, किसी आम राहगीर को, किसी ग्राहक को, किसी को परेशानी ना हो, हमारे बच्चों को, बच्चियों को, किसी अधिकारी को, कोई भी आम नागरिक अगर शहर में आता है तो उसको ये दिखे अभी बावड़ शहर अपने आप में अलग ही है। दुकानदार भाई खुद दुकान खोले, कमाई करे, काम करे, हमें कोई उनसे बैर नहीं है, लेकिन व्यवस्था ना बिगाड़े। हम केवल व्यवस्था के खिलाफ है, व्यवस्था बना के रखें, व्यवस्था बना के रखेंगे, हम उनको पूरा सम्मान करेंगे। दुकानों के आगे बरामदे थे, उन्होंने शटर से डाल दी, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। दुकानों के आगे टीन डाल दी, त्रिपाल डाल दिए। सरकार इनको मालिकाना, मैं एक आपके माध्यम से और बात करना चाहता हूं, सरकार ने जो 20 साल के जो काबिज है उनको दुकानदार को मालिक बनाने का हक दिया है, लेकिन अगर हमारे दुकानदार भाई ऐसा ही करते रहेंगे तो हम उनको नोटिस जारी करेंगे। जो उनकी टर्म कंडीशन है उसमें हम दुकान के आगे सामान नहीं लगाएंगे। अगर वो दुकान लगाते हैं उनका चालान कट गया तो उनको मालिकाना हक भी नहीं मिलेगा और उनको दुकान से बेदखल भी किया जाएगा। आज हमने बैंकों में इतला दी, सभी बैंकों को नोटिस जारी कर दिए गए अपनी पार्किंग की व्यवस्था करें। जो हमारा अभियान चलेगा, अगर बैंक के बाहर कोई भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर, किसी बैंक के बाहर, किसी अस्पताल के बाहर अगर कोई व्हीकल खड़ा पाया गया तो पुलिस के साथ उसका चालान करेंगे, उसको जब्त करेंगे। ये माहौल, ये व्यवस्था हमारी चलती रहेगी। ये अभियान एक दिन का नहीं है, जब तक हमारी टीम से हम 5 साल हैं, आगे जनता मौका देगी, जब भी हम रहेंगे हमारा प्रयास रहेगा, यह अभियान हमारा जारी रहेगा। शहर वालों से क्या अपील करेंगे इस मामले में? मैं शहर वालों से यही अपील करूंगा कि इस अभियान में हमारा सहयोग दें और शहर में व्यवस्था बनाए का माहौल रखें, ताकि हमारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का और हमारी नगरपालिका टीम का पूरा सहयोग करें।